भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर त्रिशूल नाम से प्रमुख प्रशिक्षण अभ्यास करेगा, जो कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब सहित नॉर्दर्न एरिया में 4 से 14 सितंबर तक चलने वाला है। 11 दिनों के इस मेगा एक्सरसाइज अभ्यास में वायुसेना के राफेल सुखोई 130 MKI, जगुआर, मिराज 2000, MiG-29, MiG-21 सहित 22 विमान एक साथ अभ्यास में हिस्सा लेंगे। गरुड़ स्पेशल फोर्स भी इस अभ्यास का हिस्सा है। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी अपना दमखम दिखाएंगे। एक्सरसाइज में वेस्टर्न कमांड के सभी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कमानों की संपत्तियां भी तैनात की जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं का परीक्षण करना और परिचालन आयामों का आकलन करना है। G20 के शिखर सम्मेलन जो कि दिल्ली में होने वाली है, उससे पहले ही ये शुरू होगा और खत्म होने के बाद खत्म होगा। त्रिशूल एक्सरसाइज इसलिए जरूरी हो जाती है कि अगर कभी टू फ्रंट वॉर यानी कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ इंडिया पर हमला करते हैं या उनके साथ जंग छिड़ती है, तो भारतीय सेना पूरी कड़ाई के साथ चाइना और पाकिस्तान के एयर फोर्सेस को काउंटर कर सके।